संसद का मानसून सत्र में नहीं होने दिया परिचय। पीएम मोदी बोले, ओबीसी और महिलाओं का मंत्री बनना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 38,000 नए मामले, 500 से कम हुई मौतें। सीएम योगी का निर्देश, 3% पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से यूपी आने वालों को लानी होगी निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, यूपी में भाजपा हताश व निराश, लोगों को बहकाने की रणनीति बना रहा संघ। यूपी के संभल में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर बारातियों से भरी बस में डग्गी मार, बस ने मारी टक्कर। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। कोरोना काल के बीच आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। शुरुआत से पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने उसके बाहर बड़े ही मजाकिया अंदाज में वैक्सीन को लेकर एक बयान दिया। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें पीएम मोदी की एक संसद भवन के बाहर की है और एक संसद भवन के अंदर की है। पहली तस्वीर संसद भवन के बाहर की आपको दिखाते हैं। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं, आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। तो आपने देखा किस तरह से दो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और इस संसद के मानसून सत्र की शुरुआत बड़े ही दिलचस्प तरीके से हुई। एक और तस्वीरों में आपने सुना संसद के बाहर की थी जहां पर उन्होंने बाहू पे अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आप किस तरह से बाहुबली बन जाएंगे इसका गुणगान किया। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दलित प्रेम भी फूट फूट कर बाहर आया। दलित प्रेम, ओबीसी प्रेम, महिला, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जगह मंत्री बने हैं ओबीसी हैं, दलित हैं, तो दलित प्रेम का गुणगान करते हुए भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। वहीं बढ़ते आगे और देश की राजनीतिक पार्टियों को पाठ पढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी की पोल आज संभल में उस समय खुलकर सामने आ गई जब उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के कार्यक्रम के लिए बुलाई गई आप कार्यकर्ताओं की भीड़ खाने पर टूट पड़ी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दरअसल आम आदमी पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से निकलकर अब उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए तैयारी कर ली गई है।
इसके लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह आप प्रभारी होने के नाते दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद संजय सिंह जनपद में मौजूद थे और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कार्यक्रम में खाने की लूट मची हुई थी, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। संसद में माफ कीजिएगा, खाने को लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में लूट मची। आम आदमी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता हैं और ये तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए तैयार है और आदित्यनाथ जी की सरकार को पूरी तरीके से हराने का काम देश की जनता करे। इस सरकार में दलितों का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित नहीं, पिछड़ों का सम्मान सुरक्षित नहीं, अल्पसंख्यकों का सम्मान सुरक्षित। कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह का कार्यक्रम था संबल में, इस दौरान कार्यकर्ता मौजूद थे, काफी कार्यकर्ता इस समय इकट्ठा हुए थे, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, लेकिन जब खाने की भीड़ जुटी तो एक के ऊपर एक लोग चढ़ते नजर आए, अफरा तफरी तक मच गई खाने को लेकर, तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। मैनपुरी के थाना घेरोर में वांछित चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनाई गई गठित टीम द्वारा दो दिन के अंदर ही अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला घेरोर थाना क्षेत्र के ग्राम लखई का है, जहां पर 13 जुलाई को किसी बात को लेकर राजमिस्त्री राजकिशोर को गांव के ही रघुवीर और उसके पुत्र अनिल ने मारपीट कर घायल कर दिया था। राजकिशोर को इलाज के लिए आगरा ले जाया गया था, जहां गुरुवार की रात इलाज के दौरान राजकिशोर ने दम तोड़ दिया था। तभी से इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए थे, तभी से पुलिस इनकी तलाश में थी, लेकिन आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लग गई है, पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया है। ताजनगरी आगरा के फुवारा स्थित माधव ड्रग हाउस पर पूर्व में लखनऊ की ड्रग विभाग की टीम ने छापे मार कर कार्रवाई की थी, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। बता दें कि पूर्व में छापेमारी कार्रवाई के बाद माधव ड्रग हाउस को सील कर दिया गया है, वहीं इसके बाद लखनऊ मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, जिसको लेकर ड्रग विभाग की टीमों ने माधव ड्रग हाउस के 3 गोदामों पर जांच शुरू कर दी। इस मामले में शासन के अधिकारी ने बताया कि अगर कोई खामी मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय के निर्देश पर कल यहाँ जांच शुरू की गई थी और उसी जांच को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल इनके जो सिस्टम था इससे हमें डिटेल नहीं मिल पा रही थी, सेल परचेज की, इनका करंट स्टॉक, ये सब चीज़ें आज हमने इनका जो सिस्टम पीकेएस सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर, उनके अधिकारियों से बात करके और इसको प्रिंट निकालना सीखा कि कैसे इससे प्रिंट आउट निकलेगा आपके लेजर का, जिसमें हमारे स्टॉक, करेंट स्टॉक, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी जांच को हम कल से आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने कार्रवाई की थी, उसकी सूचना आप लोगों को है, उसके बाद आज जो जितनी जो जांच होगी वो। तो ड्रग हाउस पर छापेमारी कार्रवाई जारी है, इसी को लेकर माधव ड्रग हाउस पर भी छापेमारी की गई, 3 गोदामों पर जाँच की गई है, मुख्यालय के निर्देशानुसार पर कार्रवाई की गई है। मैं इस खबर पर हमारे साथ ममता जुड़ चुकी है। ममता, क्या कुछ अपडेट आ रही है? ड्रग हाउस पर बड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार देख रहे हैं आगरा में ऐसे ड्रग हाउस पर कार्रवाई जारी है। ममता, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, ममता आवाज आ रही? ठीक है, ड्रग हाउस पर छापेमारी कार्रवाई की गई, संपर्क शायद तक ममता जी से नहीं हो पाया हमारा, तो बता दें कि ड्रग हाउस पर ड्रग विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और ऐसे ड्रग हाउसेस को सील किया जा रहा है जिसमें अवैध ड्रग्स यानी कि दवाइयों के रूप में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती है वो बरामद हो रही है, तो ऐसे दुकानों को सील किया जाता है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माधव ड्रग हाउस पर भी इसी तरह से कार्रवाई की गई और उसे अब सील कर दिया गया है। तो आगरा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्रग हाउस पर छापेमारी की गई है।
बता दें ताजनगरी आगरा के फुवारा स्थित माधव ड्रग हाउस पर पूर्व में भी लखनऊ की ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की थी, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। वहीं पूर्व में हुई छापेमारी की कार्रवाई के बाद माधव ड्रग हाउस को सील कर दिया गया था। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए ममता एक बार फिर जुड़ चुकी है। ममता, माधव ड्रग हाउस पर पहले भी कार्रवाई कर उसे सील कर दिया गया था और अब एक बार फिर टीमों ने माधव ड्रग हाउस के तीन और गोदामों को जांच की है। जी बिल्कुल कृति, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला आगरा के फुब्बारा स्थित जो वहाँ जो ड्रग हाउस जो है वहाँ का है, जहाँ दवाइयों का जो गोदाम है वहाँ का है, जो माधव ड्रग हाउस का। तो यहाँ पहले भी टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी और उसको सील भी किया गया था, लेकिन कुछ चीजों को रहते हुए कि बाद में उसको लिपा पोती करके उसको दोबारा से उस सील को खोल दिया गया है कि अच्छी तरह से पूरी तरह कार्रवाई ना करते हुए उसको दोबारा से उसको ये मौका मिला कि उसने फिर इस तरह की नकली दवाइयों का ये जो जो सेल आउट था वो करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर एक शिकायत के द्वारा आज फिर माधव जो ड्रग हाउस है उस पर छापामारी करके आज उसको दोबारा से फिर सील कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या जो इन तीन गोदामों पर जांच की गई वहां पर भी इसी तरह की अनियमितताएं पाई गई ड्रग्स को लेकर जो कार्रवाई की गई है, इसी वजह से इसे सील किया गया, अभी ये कार्रवाई किस हद तक जाएगी? जी बिल्कुल, जो तीन बाकी की जो तीन गोदामों पर जो छापेमारी जो की गई थी उसके बाद जो कार्रवाई की गई है उन पर पहले कभी कार्रवाई नहीं की गई थी, पहली बार ही उन पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या माधव ड्रग हाउस की तरह ही इन पर दोबारा से इस तरह की कार्रवाई करके इसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी की जो कार्रवाई है उसको वही ढील पोल करके छोड़ दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ममता। तो आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के करीब 40 लिपिकों का एक साथ तबादला कई जनपदों के लिए कर दिए जाने से स्वास्थ्य कर्मियों में उबाल आ गया है। स्थानांतरण को नीति व नियम विरुद्ध बताते हुए संबंधित कर्मियों ने यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले कार्य बहिष्कार कर सीएमओ कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक तबादला वापस नहीं होता तब तक वो कार्य पर नहीं लौटेंगे। दावा किया है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों के संगठनों के साथ ही अन्य सरकारी कर्मचारी संगठन का समर्थन प्राप्त है। जो स्वयं विकलांग हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया, जो एक साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। और जो कपुल पोस्टिंग में आते हैं, जो हमारी नीति निर्धारित की गई है, उसमें यह बिंदु है कि नीति में कि जो कपुल पोस्टिंग के लोग हैं उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, और जो खुद विकलांग हैं या उनके आश्रित विकलांग हैं अथवा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसका भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की। जी हाँ, आज का दिन रफ्तार का कहर काफी हद तक देखने को मिला। यूपी के तीन अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा हादसा संभल में हुआ। जी हाँ, मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बारातियों से भरी बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा सड़क हादसा कासगंज में हुआ। यहां दुल्हन की विदाई कराकर लौट रहे दूल्हे की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूल्हा और दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरी तस्वीर रायबरेली जिले की है। यहाँ सलोन कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली प्रतापगढ़ राजमार्ग पर बाइक सवार 2 युवक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़े, जिसमें मौके पर ही एक की दर्दनाक मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो ये 3 तस्वीरें दर्दनाक सड़क हादसे की, संभल से पहली, दूसरी कासगंज से और तीसरी रायबरेली से हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।